नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। आज मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा। पिनाक पानी मोहंती जी, जिन्होंने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए 5000 करोड़ रुपए पिटीशन संख्या 191/2022 के माध्यम से दिलाने का प्रयास किया है, वह निश्चित ही अच्छा कदम था। लेकिन प्रश्न उठता है कि पिनाक पानी मोहंती जी को कैसे पता चला कि 2253 करोड़ रुपए सहारा समूह द्वारा, जो सहारा समूह की कॉपरेटिव 4 सोसाइटियां हैं जिनकी भुगतान का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 मार्च 2023 को दिया गया था। तो प्रश्न उठता है कि पिनाक पानी मोहंती जी को कैसे पता चला कि यह पैसा सहारा इंडिया द्वारा, जो सहारा सेबी के खाते में 2253 करोड़ रुपए गलत जमा किए गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो बनता है, और यह प्रश्न जब बनता है कि जब मध्य प्रदेश सहित कुछ और अन्य रिट पिटीशनों पर है, जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला CRCS को भुगतान हेतु दिया जाता है, उस समय अचानक एक जनहित याचिका पिनाक पानी मोहंती जी द्वारा लगाई जाती है, और इसमें उसमें यह बताया जाता है कि 2253 करोड़ रुपए सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, वह सहारा सेबी खाते में सहारा इंडिया द्वारा गलत तरीके से जमा किया गया है। तो मैं आदरणीय पिनाक पानी मोहंती जी से पूछना चाहता हूं कि आपको सिर्फ 2253 करोड़ रुपए का पता है, आपको यह पता नहीं कि सहारा इंडिया द्वारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा था सहारा इंडिया द्वारा क्यों सामने परिवर्तित किया गया? क्या आपको यह पता नहीं कि सहारा इंडिया द्वारा क्यूसाब का जो पैसा था वह अभी भी बाकी है, और उसमें से प्रायः पैसा है जो सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कर दिया गया? आपको यह पता नहीं कि सहारा इंडिया के जो फील्ड वर्कर हैं उनका फ्यूचर फंड सहारा इंडिया द्वारा गबन कर लिया गया? क्या आपको यह पता नहीं कि सहारा इंडिया के जो फील्ड वर्कर हैं उनका TDS कंपनी द्वारा हजम कर लिया गया? क्या आपको पता नहीं कि सहारा इंडिया के जमाकर्ता हों या फील्ड वर्कर हों, अनेकों व्यक्ति आत्महत्याएं कर चुके हैं? तो कहने का मतलब ये है कि यह इनको कैसे पता चला, जबकि सहारा इंडिया द्वारा आए दिन प्रतिदिन अपने डाटा को काट-छांट किया जा रहा है, डाटा है जो मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और जानबूझकर है जो मेंबरों के मास्टर और CR जो उनके पास में उपलब्ध है वह भी CRCS को नहीं भेजे जा रहे हैं। तो ये सब तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं। स्वाभाविक है कि इसमें बहुत ही लंबा रहस्य है, और यदि पिनाक पानी मोहंती जी को जो मैंने बातें वीडियो के माध्यम से बताई हैं, यदि यह सब जानकारी है तो क्यों नहीं इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसका खुलासा किया? यह तो प्रश्न बनता है, क्योंकि हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, पिनाक पानी मोहंती जी से पहले लगाई थी। हालांकि वो रिट याचिका थी जो हम लोगों के ग्रुप द्वारा लगाई गई थी, और इनकी जो रिट है वह सार्वजनिक है, जनहित, तो इन्होंने वह रिट लगाई, सार्वजनिक रिट, जिसका फैसला है जो दिया गया था। मेरा उद्देश्य आरोपित करना नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कहीं ना कहीं इसमें लंबा रहस्य अवश्य है, क्योंकि अब है जो स्थिति और ज़्यादा है जो गड़बड़ा गई है। सहारा रिफंड पोर्टल हो चाहे सहारा रिसबमिशन पोर्टल हो, इतने जटिल बना दिए गए
कि मान लूँ कि सहकारिता मंत्री जी की कृपा दृष्टि से 5,000 करोड़ में 86,000 करोड़ रुपए चुक जाएंगी, क्योंकि पैसा कोई ले नहीं पाएगा। जो गलतियां सहारा प्रबंधन द्वारा की गई, उन गलतियों को छुपाने हेतु ये तो स्वाभाविक है कि राजनेता उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट व्यक्ति क्यों करता है कि जब उनको चंदा मिली, तो यह बात तो स्पष्ट है। अब प्रश्न उठता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सरकार को वोट नहीं देंगे, तो सहारा इंडिया के वोटों से सरकार को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम आंदोलन में देख चुके हैं कि खाली आवेदन ही कर सकते हैं, साथ नहीं दे सकती। और सहारा के जो ग्रुप थे वह प्रायः है जो इधर उधर हो गए हैं, जो काम कर रहे थे, कुछ ही संगठन हैं जो आज भी डटे हुए लड़ रहे हैं। तो सरकार को वोट देना अथवा ना देना, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है। अगर मैं सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात करूं, तो अभी तक अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, तो कांग्रेस सरकार ने तो और सहारा इंडिया की आज जो दुर्दशा हुई है उसके जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, सभी को पता है, क्योंकि यह कांग्रेस सरकार में है यह प्रकरण उठा था और जिसका समाधान 12-13 वर्षों से अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ तक कि माननीय सहारा प्रमुख की मृत्यु के उपरांत भी सेबी की तरफ से बयान जारी किया गया कि यह मैटर अभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था ऐसी भी है कि आदमी मर भी जाए तो उसका मैटर है जो ख़त्म नहीं होगा। और चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे सेबी हो, ये सब जनता के हितों के लिए है और जनता के कल्याण के लिए है। कहते हैं सेबी सेंटर वोट एक्सचेंज, यह जनता के है जो पैसों की सुरक्षा करता है। तो बता दो भाई, सेबी सहारा सेबी का प्रकरण 12-13 वर्षों से चल रहा है, किसको सेबी ने पैसा दिया, किसका कल्याण किया? लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ, लेकिन सहारा सेबी प्रकरण के बाद हजारों व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा रेगुलेटर किस काम का जो जनता का पैसा ना लौटा सके, मात्र बातें ही करते रहे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे रेगुलेटर पर व्यर्थ खर्च करना, आखिर जनता का ही टैक्स का पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब, ये जो रेगुलेटर बनाए गए हैं, यदि यह समय पर निराकरण नहीं कर पा रहे, मात्र बातें ही करते रहे, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे रेगुलेटर पर व्यर्थ खर्च करना, आखिर जनता का ही टैक्स का पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब, ये जो रेगुलेटर बनाए गए हैं, यदि यह समय पर निराकरण नहीं कर पा रहे, तो इसके दोषी रेगुलेटर हैं, क्योंकि हमारे देश में चाहे कानून हो, चाहे न्यायपालिका हो, और चाहे सरकारी रेगुलेटर हो, इनका एक निश्चित समय अवधि निर्धारित होना अति आवश्यक है। अब बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि जो सहारा का मैटर है, जो हाउसिंग रियल एस्टेट का सेबी को सौंपा गया था, तो यह एक सेबी को पता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सी शिकायतें भी पहुंची कि हमारा रियल एस्टेट का क्यू साहब में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन वही है, जांच चल रही है, कब चलेगी, कितने व्यक्ति मर जाएंगे, कब तक जांच चलेगी, इसका किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि सच्चाई कितना भी छुपा लो सामने आ ही जाती है। सहारा प्रबंधन बहुत सोच रही है कि ज्वाइनिंग पॉइंटों का को भी इधर उधर कर दें, पैसा ना देना पड़े, तो ये सबसे बड़ी उनकी भूल है, क्योंकि कहाँ कहाँ तक आप बचेंगे। वर्तमान में सहारा मैनेजमेंट का कर्तव्य है कि जमाकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, और जो आपने कमेंट किए हैं एक एक दिन के ब्याज देने का, तो वह आप है जो मीडिया पर आए और बोले कि हमें थोड़ा समय और चाहिए, और हम आपका जैसा कमेंट परम पूजनीय सहारा प्रो करके गए हैं वह पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी व्यक्ति बयान देने को तैयार नहीं।
आए दिन सुनने में आता है कि कर्मचारियों की छटनी हो रही है, कर्मचारी तो वैसे ही बहुत से काम छोड़ चुके हैं, और वर्तमान में जो बचे हैं वो भी 8-10 माह से उनको सैलरी नहीं मिल रही। कहने का मतलब कि आज जो गलतियां सहारा प्रबंधन द्वारा की गई, जिनके कारण आज चाहे जमाकर्ता हो और चाहे कार्यकर्ता हो, दोनों ही परेशान हैं। अभी बहुत सी खुलासे होना बाकी है और ये लोग बच नहीं सकते, ये पक्का है। इसलिए ये बच तभी सकते हैं कि यह जैसा इन्होंने कमिट किया है उस हिसाब से यह अपना कमिट है जो सामान्य जमाकर्ताओं के साथ निभाएं। लेकिन यह ऐसा लगता है कि इन लोगों की मंशा ही नहीं कि हम सहारे इंडिया के जमाकर्ताओं का भुगतान दें। और जो डिफिशेंसी कम्युनिकेटेड सहारा रिफंड पोर्टल का तो सभी को पता है कि अभी तो ये समस्याएं बता रहे हैं कि उसमें नाम मिसमैच है, सोसाइटी के सदस्य आदि आ रहे हैं, तो सीआर मास्टर ये तरह तरह की बातें अपलोड हो रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि ये पहले से भी इनकी बात हो गई है कि 5,000 करोड़ रुपये हैं जो उसी में है जो सालों निकालने हैं, तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है मुझे लगता है। और जो भी हमारे कहना चाहिए साथी साथ में आने का प्रयास करते हैं, आर्थिक स्थिति से टूटे हुए हैं, तो वह लोग हैं जो साथ देते तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से सहयोग करने में असमर्थ हैं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। और कुछ लोगों ने यह धंधा ही मचा लिया कि चंदा दो और बाद में सभी को पता है कि होना कुछ नहीं है, तो निराशा भी होना स्वाभाविक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। अब प्रश्न उठता है कि भुगतान कैसे मिले, क्या करें, क्योंकि आए दिन सहारे इंडिया की संपत्ति विक्रय होती जा रही है और सभी जमाकर्ता जानना चाहते हैं कि यह पैसा कहाँ जा रहा है, क्या सहारे से भी खाते में जा रहा है कि निजी उपयोग हो रहा है, तो ये बहुत से प्रश्न हैं। लेकिन हमारे देश में न्याय व्यवस्था विलंब अवधि से मिलती है, सभी को पता है, और न्याय तब मिलता है जब न्याय स्वयं अन्याय में परिवर्तित हो जाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही निवेदन करूंगा कि 12-13 वर्षों से सहारा की चाहे जमाकर्ता हो चाहे सहारा के एजेंट हो अत्यधिक परेशान है, और आपसे निवेदन करता हूं कि सहारा रिफंड पोर्टल हो या सहारा रिसबमिशन पोर्टल, इन सब की जांच होना अति आवश्यक है। इसमें कितना पैसा लिया गया और कितना दिया गया और क्यों यह डिफिशेंसी निकाली जा रही है, इन पर जब तक आप गंभीर रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक है जो ये लोग पैसा इसी तरह है जो अटकाए रहेंगे, देने वाले नहीं हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।